देव भूमि प्रणाम। मैं कंचन शर्मा हाजिर हूं आज की ताज़ा खबरों के साथ। पेश हैं आज की हेडलाइन। शिक्षक तबादलों के लिए होगी मार्किंग, कम नंबर पर दुर्गम क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। रात को थरथराया हिमाचल और महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिरमौर के युवक का हरियाणा के बिलासपुर में काटा गुप्तांग, जबरन बनाया किन्नर। ब्यास में बह गया सोलंग नाला का पुल। HPU ने कॉलेजों में प्रवेश की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। शिक्षक तबादलों के लिए होगी मार्किंग, कम नंबर पर दुर्गम क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। नई तबादला नीति के तहत कम नंबर लेने वाले शिक्षकों के प्रदेश के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में तबादले होंगे। तबादलों के लिए विभिन्न मानकों के आधार पर शिक्षक विभाग मार्किंग करेगा। रात को थरथराया हिमाचल और महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में बुधवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार हिमाचल में रात 12:47 पर लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4 रही। बताया जा रहा है इसका केंद्र बिंदु चंबा रहा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हर उच्च जिले में बनाया जाएगा विशेष पॉक्सो कोर्ट, जहां 100 से ज़्यादा मामले लटके हुए हैं। मामलों की जल्द सुनवाई को लेकर किया ये फैसला। केंद्र सरकार देश के हर जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट बनाएगा, जहां 100 से ज़्यादा मामले लटके हुए हैं। इन अदालतों के लिए फंड केंद्र सरकार देगा। सिरमौर के युवक का हरियाणा के बिलासपुर में काटा गुप्तांग, जबरन बनाया किन्नर। सिरमौर के एक युवक को जबरन किन्नर बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि बेहोशी की हालत में किन्नरों ने उसका गुप्तांग काट दिया। घटना 4 दिन पहले हरियाणा के बिलासपुर कस्बे की है। पांवटा साहिब पुलिस ने युवक का मेडिकल करवा मामला बिलासपुर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। ब्यास में बह गया सोलंग नाला का पुल। ब्यास नदी पर आई बाढ़ से सोलंग नाला नदी पर बना अस्थायी पुल बाढ़ की चपेट में आ गया है। यह पुल सोलंग के ग्रामीणों का आने जाने का एकमात्र सहारा था। अस्थायी पुल के बह जाने से ग्रामीणों का सोलंग नाला से संपर्क कट गया है। HPU ने कॉलेजों में प्रवेश की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी। HPU के सभी सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह जानकारी HPU के VC आचार्य सिकंदर कुमार ने दी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।